बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्पेशल सेंसेस चैप्टर 11 ऑफ फिजियोलॉजी बुक ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम। अब हेयरिंग, सुनना, स्पेशल ऑर्गन ऑफ हेयरिंग बॉडी में कौन सा है? एयर। दी फंक्शन अब बेटे कंटेंट्स ऑफ मिडल एयर, मिडल एयर के पार्ट्स चार, जिसका एब्रीविएशन पड़ा MS। कंटेंट्स क्या एब्रीविएशन बन सकता है कंटेंट्स के लिए? OML। क्या बन गया ज़ुल्फ़कार? OML। 1, 2, 3। ओ से स्पेलिंग क्या है? OSSI CLES। ओसीलेस या ओसी सेल्स, ओसिकल्स या जो प्रोनाउंस करना चाहे। एम से मसल्स और एल से लिगामेंट्स। अब बेटे जो हमने टोटल मिडल एयर पढ़ा उसमें तीन तरह के कंटेंट्स मौजूद हैं। ओसिकल्स, तीन चीज़ें हैं ओसिकल्स में। ओसिकल्स में तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? मैलियस, स्टैप्स और इंकस, यानी MIS। मिस मौजूद है इसमें ओसिकल्स में, ठीक है, ये याद रहेगा। ज़ुल्फ़कार कोई बहुत आज तो परेशान लग रहे हैं भाई, अल्लाह खैर फरमाए। चलो कोई नहीं कोई नहीं। एम से क्या मुराद? मैलियस। आई से इंकस और एस से स्टेप्स। ओसिकल्स में तीन चीज़ें आ गई, MIS, मैलियस, इंकस, स्टेप्स, क्लियर। और मसल्स में क्या कुछ आ गया? टेंसर, टेंसर टेम्पैनी और स्टेपिडस। टेंसर टेम्पैनी, स्ट्रेपिडस, स्टेपिडियस। और लिगामेंट्स में है? दिखाओ बेटे मुझे, दिखाओ। लिगामेंट किसे कहते हैं? ओसिकल्स। लिगामेंट कहते हैं ये बोन की किस्म है। शाबाश, आपने कभी सीरी पाए खाए हो? पाए के साथ ना वो एक धागा सा निकला होता है, वो लिगामेंट होता है जो किसको जोड़ता है? दो बोन्स को जोड़ता है, उसमें जॉइंट, जॉइंट की मूवमेंट में मदद देता है, ठीक है। यानी लिगामेंट ऑफ ओसिकल्स, जिन्होंने ये ओसिकल्स में तीन तरह की चीज़ें हैं मैलियस, इंकस, स्टैप्स, इनको थामा हुआ है, ठीक है, पकड़ा हुआ है इन्हें, इनको सपोर्ट दी हुई है। ये क्या हो गया? कंटेंट्स ऑफ मिडल एयर पूरे हो गए, ठीक है। और आगे फंक्शन क्या है मिडल एयर का? द ऑडिटरी ओसिकल्स इंक्रीज द प्रेशर एग्जर्टेड बाई साउंड वेव्स ऑन फ्लूड ऑफ कोकलिया, दस दे प्रोवाइड मैचिंग बिटवीन द साउंड वेव्स इन एयर एंड द साउंड वाइब्रेशंस इन द फ्लूड ऑफ कोकलिया। अब बाहर जो उधर एक बंदे ने, दो औरतें बैठी उन्हें इस तरह वो बोल रही हैं, तो कान उसे किस तरह सुनता है? वो तो इतनी दूर है, आवाज़ आते आते कम हो जाती है, तो जो बाहर से हवा का प्रेशर आ रहा है वो जाता है कोकलिया में, मिडल एयर कोकलिया तक उसे ले जाता है, ठीक है। कोकलिया में एक फ्लूइड है जो जितनी आवाज़ की इंटेंसिटी उधर है उतनी ही कान उसे बिल्कुल उसके बराबर कर देता है। कितना कमाल का फंक्शन है माशाल्लाह।
अब मिडल एयर का फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल एयर एंड टू बैलेंस इट विद कोक्लियर फ्लूइड। ठीक हो गया, याद रहेगा ना? चलो शाबाश। ट्रांसमिट्स द साउंड वेव्स फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इंटरनल एयर, इंक्रीजेस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स 10 टाइम्स बाय द ओसिकल्स ड्रम। अब एक बंदा ना इस तरह बोल रहा है, हाँ जी ज़ुल्फ़कार कैसे हैं, तो कान क्या कहता है उसे 10 गुना बढ़ा के सुनाता है। यानी आप जाते जाते आवाज़ 10 गुना कम हो गई होगी ना, तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कान में ये फंक्शन दे दिया कि भैया आप 10 गुना बढ़ाओगे तो पता चलेगा भाई जी इतनी ही आवाज़ है वो बंदा बोल रहा है। अब इंटरनल एयर, इंटरनल एयर का एक दूसरा नाम भी है इनर एयर या लेबिरेंथ, LABY RINTH, लेबिरेंथ। ठीक है, या बोनी लेबिरेंथ भी कहते हैं इसे। द इंटरनल एयर आर लेबिरेंथ लाइज इन द पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, इट कंसिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स बोनी लेबिरेंथ मेम्ब्रेनस लेबिरेंथ। अब इंटरनल एयर कहाँ मौजूद है, इसके आगे क्या मौजूद है, ये क्या चीज़ है? पेट्रस बोन, टेम्पोरल बोन का हिस्सा है। ये इनर एयर और पेट्रस बोन के दरमियान में इंटरनल एयर मौजूद है। ये तो अंडरस्टूड है ना यार, इसके इधर जो चीज़ है उसका नाम लेंगे और जो चीज़ इधर है ये पूरी को हम इन वो कह रहे हैं मिडल एयर कह रहे हैं। इसमें कोई कबाहत हो, कोई चीज़ सवाल जवाब हो। अब बोनी लेबिरेंथ, अब बोनी लेबिरेंथ के कितने पार्ट हैं? ये बेटे हमने पहले ही पढ़ लिए, कोकलिया और 3 कैनाल्स हैं।